नमस्कार, संडे फंडे रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे व्रत वाला आलू, जो आप किसी भी व्रत में बनाकर ये आलू खा सकते हैं। बहुत ही सादा और सिंपल है, जिसके लिए हमने आधा बाउल मूंगफली लिया है। इसे पैन में डालकर अच्छे से भूनेंगे। ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा हो गया है, अब हम इसे छील लेंगे हाथों से रगड़ रगड़ कर। ये बहुत ही आसानी से छिल जाता है। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से छिल जा रहा है। इसे पछोड़ कर हम इसका छिलका निकाल देंगे। देखिए कितना साफ हो गया है, तो हम इसे प्लेट में पलट देंगे। तो हमने आलू लिया है, जिसे हमने छील कर धोकर रख लिया है। अब इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। आलू को हम उबाल कर भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसमें कच्चा आलू लिए हैं। चलिए अब हम आलू फ्राई करते हैं, जिसके लिए हमने 2 चम्मच घी डाला। घी गरम हो गया है, अब इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा लाल हो गया है, इसमें अब आलू डालकर हम अच्छे से चलाएंगे। इसमें हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। आप मिर्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें काली मिर्च डाले हैं। सेला नमक स्वाद अनुसार, ये व्रत में खाया जाता है। अब इसे अच्छे से मिक्स करके 1/2 गिलास पानी डालेंगे। इसे ढककर हम 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये देखिए 15 से 20 मिनट हो गया है, अब हम इसमें मूंगफली डालेंगे, जो हमने पहले ही छील कर रख लिया था। इसे वापस चलाकर फिर से हम ढककर 2-3 मिनट तक पकाएंगे। 2-3 मिनट हो गया है, आप देख सकते हैं आलू बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें हम हरी धनिया डालेंगे, जो व्रत वाला आलू का ये टेस्ट बढ़ा देता है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये रेसिपी आपको कैसे लगी, कमेंट के जरिए हम तक शेयर कीजिए। नेक्स्ट संडे हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ खाएं, स्वस्थ खिलाएं, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। धन्यवाद।